एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. दैट इज टू चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे एलिमेंट्स हैं किसी सेट के, और जो रिलेशन हमारा डिफाइंड है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर सच दैट सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1. इस तरह से हम किसी भी सेट को पढ़ सकते हैं. दैट इज व्हाई द सेट बिल्डर फॉर्म इज इम्पॉर्टेंट. सो अब हम क्या करेंगे, तो R हम एक तरह से और देख सकते हैं कि R को हम इस फॉर्म में बना सकते हैं कि जो पहला एलिमेंट है वो हमारा देखिए क्या है, A है, उसको फिक्स रहेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है उसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 1, बिकॉज हमें B की वैल्यू दी है A प्लस 1, और A हमारा कहाँ चला जाएगा, वो हमारा जो सेट है, तो लेट अस सपोज ये वाला जो सेट है इसको हम कैपिटल ले ले लें, तो A हमारा जो है स्मॉल A बिलोंग्स टू कैपिटल A. तो इस तरह से आप कोई भी रिलेशन को लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर के फॉर्म में. तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे देखिए उनको बना लेते हैं. तो अगर ए की वैल्यू हमारी 1 है तो 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2. इसी तरह से 2 रखेंगे तो 2, 3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 3, 4 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 4, 5 मिलेगा, और 5 रखेंगे तो 5, 6 मिलेगा, और 6 रखेंगे तो नेचुरली 6, 7 मिलेगा. यानी कि ये हमारा रिलेशन बन गया. अब 1 by 1 हम चेक करेंगे दैट इट इज अ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांसटिव क्या होगा. तो देखिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, बिकॉज रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है दैट सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, जैसे 1, 1 आर में होना चाहिए, 2, 2 आर में होना चाहिए, 3, 3 हर एलिमेंट जो भी सेट के मेंबर हैं उनके साथ सेम ऑर्डर पेयर जो होगा वो हमारा रिलेशन में होना चाहिए. तो ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव जो है रिलेशन नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ. अब बात आती है ट्रांजिटिव की, सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक की बात करने पर हमें क्या चेक करना होता है, बस हमें एक चीज चेक करना होता है कि ए कॉमा बी अगर कोई ऑर्डर पेयर है, अगर वो आर में है तो ये इसको इम्प्लाई करना चाहिए कि बी कॉमा ए भी आर में होना होगा. अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक है, और नहीं होता तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक नहीं है. तो 1, 2 इसमें है बट 2, 1 इसमें नहीं है, देयरफॉर ये सिमेट्रिक हमारा नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, तो इट इज नॉट असिमेट्रिक रिलेशन. फिर इन द सिमिलर वे हम ट्रांजिटिव भी चेक करेंगे. तो देखिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या हुआ, देखिए अब दो ऑर्डर पेयर आप देख रहे होंगे, 1, 2 हो गया, एक हो गया हमारा 2, 3, बिकॉज हमें क्या चाहिए कि अगर इफ ए कॉमा बी हमारा आर में है और बी कॉमा सी हमारा आर में है तो इसको इम्प्लाई करना चाहिए कि ए कॉमा सी भी हमारा आर में होना चाहिए. तो ऐसा भी नहीं हो रहा, बिकॉज 1, 2 हमारा आर में है, 2, 3 हमारा आर में है, बट क्या ये इम्प्लाई कर रहा है कि 1, 3 आर में होगा, तो दैट इज नॉट ट्रू. सो ये 1, 3 आर में नहीं है, ओके, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव. तो ना तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ना सिमेट्रिक हुआ, ना ट्रांजिटिव हुआ, तो इक्विवेलेंस नहीं होगा. तो क्वेश्चन में अलग ही मेंशन है कि आपको चेक करना है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो इन तीनों में से कोई भी नहीं हुआ, तो इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. तो रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें यह ध्यान देना होगा कि हमारा जो रिलेशन है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, उससे हमको मालूम चल जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांजिटिव कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं.